किसी भी सर्विस सेक्टर में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ताकि लोगों में नई ऊर्जा का आह्वान हो। कैनरा प्रीमियर लीग का प्रारंभ जो है आज, खेल क्रिकेट लीग का प्रारंभ आज किया गया है जगजीवन राम स्टेडियम दानापुर में। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी इस खेल में भाग ले रहे हैं, और ये लगभग 2200 खिलाड़ी जो है, लगभग 2200 खिलाड़ी इस लीग में जो है भाग लेंगे, और आगे चल करके जोन स्तर पर जो है ये खिलाड़ी। कैनरा बैंक के अरुण कुमार मिश्रा सर हैं। सर, इस खेल का क्या उद्देश्य है? इस खेल का मुख्य उद्देश्य हमारे जो खिलाड़ियों के बीच में खेल भावना जागृत करना है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग जो जॉब है ये थोड़ा मोनोटोनस जॉब है, तो हमारे स्टाफ्स को एक खेल के प्रति उनके अंदर रुझान पैदा करने के लिए कैनरा बैंक ने कैनरा प्रीमियर लीग बोल के एक नई टूर्नामेंट का शुरुआत किया है, जिसमें हमारे महिला कर्मचारियों के लिए बैडमिंटन टूर्नामेंट्स है और पुरुष कर्मचारियों के लिए क्रिकेट का टूर्नामेंट किया गया है। इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेंगे और फिर कितने टीमें भाग? बिहार के अंदर हमारी 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक हमारा अंचल कार्यालय है। हर कार्यालय से एक एक टीम, टोटल 6 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, और यहाँ के जो विजेता हैं वो जोनल स्तर पे हमारे ईस्टर्न जोन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और वहाँ के जो विजेता होंगे वो हमारे मुख्य कार्यालय स्तर पे जो हमारा ग्रैंड फाइनल होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना, टीम भावना को डेवलप करना है। इस लीग में 2200 कुल मिलाकर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? 200 टीम। और कुछ इनिशिएटिव आप लोगों के द्वारा? नहीं, टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स के प्रति कैनरा बैंक टाइम टू टाइम हमेशा इनिशिएटिव लेता रहता है। हमारे हर सेंटर्स पे एनुअली हम स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन करते रहते हैं, जिससे कि खिलाड़ियों को काम के अलावा अपने फिजिकल फिटनेस पे भी थोड़ा सा ध्यान देने का मौका मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग जो जॉब है उसके साथ ही साथ आपको एंटरटेनमेंट, आपका हेल्थ, वो सब देखना है, तो एम्प्लॉयज़ का जो हेल्थ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बैंक के जो डेवलपमेंट है वो सभी में, बैंक का जो एम्प्लॉयज़ का हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ बैंक के 2 अधिकारी थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो खिलाड़ी खेलेंगे, जो जीतेंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप दर्शकों में उत्साह भी देख रहे होंगे कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम में दर्शक भरे हुए हैं। जो कैनरा बैंक के जो दर्शक हैं वो यहाँ आए हुए हैं, कैनरा बैंक के जो कर्मी हैं वो यहाँ आए हुए हैं, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं खेल के प्रति जो भावना है, खेल का जो भावना है वो भी जागृत होता है। सबसे बड़ी बात है जागरूकता की भी बात जो है लगातार हो रही है, और जो एक टीम भावना होती है, क्योंकि बैंक में जो होता है वो टीम स्तर पर जो है लोग काम करते हैं, और एक टीम जब सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, तो काम भी आगे बढ़ता है, और खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे टीम को मजबूत किया जा सकता है। इसलिए तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन मदन के साथ मैं विपुल पटना।